हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कैश डिपॉजिट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म फिलअप करते हैं तब ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो पोर्शन दिया गया है। इस पोर्शन को आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और इस पोर्शन को बैंक अपने पास जमा कर लेगा। तो चलिए, आप जान लेते हैं कि किस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले ही आपको यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस ब्रांच में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि जिस अकाउंट में आप पैसे जमा करना चाहते हैं वो अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरा इस बैंक का जिस ब्रांच में अकाउंट है, मैं उसी ब्रांच में कैश डिपॉजिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दोनों जगह पे सेम ब्रांच का नाम लिख दिया है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका अकाउंट अगर किसी अन्य ब्रांच में है और कैश डिपॉजिट अगर किसी अन्य ब्रांच में आप करना चाहते हैं, तब यहाँ दोनों जगह पे आपको अलग ब्रांच का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपका अकाउंट जो ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि किस ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं। और अगर आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है, अगर आप उसी ब्रांच में अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, तब दोनों जगह पे सेम ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो नाम अकाउंट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप लिखना है, जैसे कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा, यानी कितना अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर से यहाँ पे टोटल पे आप जितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि मैं टोटल 2000 जमा करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप जितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2000 जमा करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि आप किस ब्रांच में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं और आपका अकाउंट किस ब्रांच में है। तो मेरा जिस ब्रांच में अकाउंट है, मैं वही ब्रांच में कैश डिपॉजिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ब्रांच का नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो नाम अकाउंट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का नंबर फिर से लिखना है। यहाँ पे आपको वही अकाउंट का नंबर लिखना है जिस अकाउंट में आप पैसे जमा करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का टाइप लिखना है, जैसे कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से डेट लिखना है, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है, क्योंकि इस पोर्शन को चेक ही उसके लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आप चेक के थ्रू अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तभी आपको इसे फिलअप करना होगा, अदरवाइज इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि आप जितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2000 जमा करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर कोई भी अमाउंट जमा करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। इस सिचुएशन में मैं 50,000 से कम अमाउंट जमा करना चाहता हूँ लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पैन कार्ड का नंबर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का कोई भी अमाउंट अगर जमा करना चाहते हैं तब पैन कार्ड का नंबर रहना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट अगर जमा करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पज ऑफ द पेमेंट अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कितना अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं और कितना का नोट आप जमा करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टोटल 2000 जमा करना चाहता हूँ और मेरे पास 500 का दो नोट है और 200 का पांच नोट है। तो 500 का दो नोट है इसलिए मैंने यहाँ पे 500 के साइड में दो लिख दिया है और 500 का दो नोट यानी टोटल 1000। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 200 का पांच नोट है इसलिए मैंने यहाँ पे 200 के साइड में पांच लिख दिया है यानी 200 का पांच नोट यानी 1000 और 500 का दो नोट यानी 1000 यानी टोटल में मैं 2000 जमा करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है। तो आप जितना भी अमाउंट जमा करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे आपको उसी तरह से सिग्नेचर करना है जिस तरह से आप इस बैंक में सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद इस पोर्शन को बैंक के उसके लिए दिया गया है यानी इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।